समाजवादी पार्टी का उत्साह आज देखने को मिल रहा है। अरे महान लोगों को मेरे पास शब्द तो नहीं है कि उनको मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। बस मैं बारंबार उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और जो उम्मीद थी समाजवादी नेताओं को, हमारे राजशेखर जी को, पार्टी के लोगों को, उससे भी ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा आशीर्वाद और समर्थन मिलकर के लोगों ने माननीय अंबर जी को दिया। संजय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। चलो देखा था सांसद पीड़ा देने का कोई कसर नहीं बकाया रखा था, लगातार हम देख रहे हैं। एक तरफ नेताजी को श्रद्धांजलि की बात करते हुए हम साइकिल को पंचर करने की, घोड़ा साइकिल, और अपने ही गुटों को तोड़ने की कोई और कसर बकाया नहीं। आज ये लोकसभा उपचुनाव ले रहे हैं, नजीर इनके लिए होगा। इतना उत्साह में मत जाइए, दूसरों को इतना मानसिक पीड़ा मत दीजिए, और पावर आने के बाद उसको अहंकार में मत दीजिए। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, उत्साह अच्छी चीज है, अहंकार, घमंड, तानाशाही, ये चीज़ें हमेशा समाज में घातक हैं, और ये हमारे देश का जो समाज है, हमारे देश के जो लोग हैं, जो यहाँ की मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, घमंड को कभी स्वीकार नहीं किया। इंदिरा जी के घमंड को स्वीकार नहीं किया, आज मैनपुरी की जनता ने योगी जी के घमंड, भारतीय जनता पार्टी के घमंड, और तो और इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रशासन का घमंड। हमारा कोई साथी नहीं बचा है, अगर वो छोटा भी दुकान कहीं चला रहा है तो उसको नोटिस गया है, कोई भी अगर उस पर लाइसेंस है तो निरस्त किया गया, धमकाया गया, हर घर में पुलिस भेजी गई, हजारों दसियों हजार वर्कर ऐसे हैं जो वोटिंग से हफ्ते भर पहले से अपने घरों में नहीं सो पा रहे थे, उनके परिवार के बुजुर्ग, उनके परिवार की महिलाएं पानी धो रही थी पुलिस से। और मैं लगातार एक बात कह रहा था, नेताजी के आशीर्वाद से मुझे मैनपुरी के लोग रहने के लोगों के बीच रहने का मौका मिला है। मैं जानता हूँ मैनपुरी के लोगों के स्वभाव को, नेचर को जानता हूँ। मैनपुरी के लोग बहुत जज्बाती लोग हैं, प्यार से मैनपुरी के लोग जान भी दे देंगे, लेकिन अगर अत्याचार करके सोचोगे कि मैनपुरी किसी को दबा लोगे तो मैनपुरी वाले कभी दबे नहीं। और जो मैनपुरी के लोगों ने परंपरा कायम की थी समाजवादियों के पक्ष में, सत्य नेताजी के सम्मान में, उस परंपरा को आज और चार कदम आगे बढ़ा दिया है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, अब तक के रुझान के अनुसार, हो सकता है मैनपुरी के चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा लीड माननीय डिंपल यादव जी की होने जा रही है। अब तक के इतिहास में जो नेताजी का रिकॉर्ड है, हो सकता है उसको भी डिंपल जी की लीड पीछे कर दे। इतना लोगों ने सम्मान दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, इतना नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। भाजपा के प्रत्याशी जहाँ हराने के लिए चले थे, वहाँ का पीछे तो करो यार। मैंने तो कहा था बहुत पहले, मैंने नॉमिनेशन के दिन कहा था, जब मुझे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया, मैंने उसी दिन कहा था, कुछ वीडियोज़ आप लोगों पर होंगी पुरानी, मैंने कहा था कि बीजेपी के उम्मीदवार अपना बूथ नहीं जीतेंगे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष अपना बूथ हारे, और अभी खुला नहीं है, आधे घंटे एक घंटे में काउंटिंग हो जाएगी। बीजेपी से यहाँ के राज्यसभा के सांसद जिनकी पोलिंग पुरानी ब्लॉक की ईशई मैनपुरी विधानसभा में हारना बहुत छोटी बात क्या है, अपने ही पोलिंग पर अपनी पार्टी की जमानत नहीं बचा पाएंगे। ये साबित करता है इस बात को कि चुनाव यहाँ भाजपा लड़ ही नहीं पा रही थी, यहाँ तो चुनाव प्रशासन से हो रहा था, भाजपा तो डमी में थी, यहाँ चुनाव प्रशासन लड़ रहा था भाजपा की ओर से। तो देखिए, आप ये हमारे साथ पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव थे, इन्होंने बड़ी बात कही है कि जो मानसिक पीड़ा दी गई है मैनपुरी की जनता, मानसिक पीड़ा, समय के लिए आप पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मैनपुरी की जनता ने जो प्यार दिया है वो नेताजी के लिए प्यार ऐसा इतना बढ़ चढ़ कर के माध्यम से दिया, वो विपक्ष धराशाई हो गया। कैमरामैन अंशु के साथ प्रवीण सक्सेना, भारत।